मनपरा सिंह हमारे साथ राज्यसभा की सांसद फौजिया जी, और आज इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी देखकर मोदी को भी पता चल गया है कि शक्तिकांत शिंदे जी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। शक्तिकांत शिंदे जी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भाई सचिन अहिर जी, यहां मौजूद सारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के नेता, एनसीपी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, अलग अलग दलों के नेता, और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सर झुका के आपको नमन करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप इकट्ठा हो गए। भाइयों और बहनों, मेरा मन भावुक हो गया जब मैंने देखा कि शरद पवार जी ने ऐसे व्यक्ति को यहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है जो मंच पे आने के बाद सर झुका के आपको नमन करता है क्योंकि आप मालिक हैं। एक तरफ शशिकांत शिंदे जी हैं जो आपको नमन करते हैं, और दूसरे तरफ उदयन जी हैं जो चाहते हैं कि उनको आप नमन कीजिए। बताओ किसका साथ हो गया, बताओ किसका साथ हो गया। और दूसरा, मैं इस कारण से भी आया, शरद पवार जी की उम्र 84 साल की अवस्था है, लेकिन मैं इनके बहादुरी को, इनके परिश्रम को, इनकी मेहनत को नमन करता हूं कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, जा रहे हैं हर जगह। मैं नमन करता हूं शिव सैनिकों को, मैं नमन करता हूं उद्धव ठाकरे जी को, पूरा महाराष्ट्र में जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी की तानाशाही का जवाब देना। आज भारत के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं, शर्म आती है मुझे। भारत के प्रधानमंत्री शरद पवार जी को कहते हैं वो भटकती आत्मा है, उनके मरने की कामना कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूं, इनकी जबान से जब्त कराओ तब इनको समझ में आएगा शरद पवार क्या है। बताओ जवाब देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, हाथ उठा के बताओ। जिसने आपके नेता का अपमान किया, 84 साल की अवस्था में जो अपनी तानाशाही के खिलाफ कर रहा है, उसको भारत के प्रधानमंत्री भटकती आत्मा कह रहे, भटकती आत्मा कह रहे। आप शरद पवार जी के मरने की कामना कर रहे हैं, शर्मने आती प्रधानमंत्री जी। मैं कहना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री की भाषा एक संरक्षक भाषा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। इज्जत से बात कीजिए, तमीज से नाम लीजिए। शरद पवार जी के लिए ऐसी बात कर रहे हो आप? मैं कहना चाहता हूं आज सतारा में आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या देख के मैं कहना चाहता हूं, शरद पवार जी आप लोगों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसको दफन करने का काम करेंगे, उनकी कार्यशाही को निकालने का काम करेंगे। पिछले चुनाव का वो वीडियो आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में भी लोग देखते हैं। पिछले चुनाव का वो वीडियो आज भी यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के लोग अपने मोबाइल में देखते हैं कि बारिश हो रही थी और शरद पवार जी भाषण दे रहे थे आप लोगों के बीच में, अपनी बात कर रहे थे। पाटिल साहब यही मैदान था, यही मैदान था, यही मैदान था, यही मैदान था, था कि नहीं था? और आपने महाराजा जी को हरा दिया था, इस बार भी हराओगे ना? मुझे पता चल गया,
मुझे पता चल गया कि महाराज जी हारने वाले। आप पूछोगे कैसे पता चला? सत श्री अकाल जी, शिंदे साहब, मैं आज कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। मैंने कहा भाई आज कौन जीत रहा है? बोले शशिकांत जीत रहा। मैंने कहा कैसे जीत रहे? बोले देखो भाई, हम लोग मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, और छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाह के सामने नहीं झुके, हमारे उदयन महाराज अमित शाह के आगे झुक गए। गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे तो पता नहीं थी, मुझे तो बात पता नहीं थी। यहां गृह मंत्री जी आपके महाराष्ट्र के अनिल देशमुख भाई बैठे हैं, बहादुर इंसान है, तालियां बजाइए इनके लिए। ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है महाराष्ट्र को। आप बताइए, उस आदमी की बात सुन के मैं हैरान हो गया। कहता है छत्रपति साहू जी महाराज जी आदिल शाह के आगे नहीं झुके, हमारे उदयन महाराज अमित शाह के आगे झुक गए। मैंने कहा हुआ क्या, क्यों आप इतना दुखी है? अरे बोले टिकट के लिए 5 दिन अमित शाह से मिल नहीं पाए दिल्ली में। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मैंने सुना था कोई सोना चोर होता, कोई बाइक चोर होता है, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी चोर हो गई। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली इनकी। उद्धव ठाकरे जी का तीर कमान चुरा लिया नहीं चुरा दिया? उद्धव ठाकरे जी मसाल लेके निकल गए और हर युद्ध के लिए शरद पवार जी आप लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए इस तानाशाह को हटाने के लिए तैयार है। तुतारी बज रही है, ये संख लाभ है युद्ध का। जिन लोगों ने बालासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुराई है, जिन लोगों ने शरद पवार जी की घड़ी चुराई है, उनकी जमानतें इस बार जमानतें जब्त करा के 48 की 48 सीटों पे हराने का काम करें, 48 की 48 सीटों पे हराने का काम करना। मुझे तो देख के बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने अनिल देशमुख भाई से कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा था आपकी विधानसभा में? बोले क्या? मैंने कहा वहां नारा लग रहा था 50 खोखे एकदम। जिन लोगों ने अपने आप को बीजेपी के हाथों में बेचने का काम किया है, उनको इस बार चुनाव में आप हराने का काम करना, उनको जवाब देने का काम करना। क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे खड़े हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सबसे बड़ा संदेश है जो पूरे हिंदुस्तान को वो देते हैं, पूरे महाराष्ट्र को देते हैं, वो संदेश है गद्दारों को माफी नहीं। गद्दारों को माफ करोगे क्या? नहीं। गद्दारों को माफ करोगे क्या? नहीं। गद्दारों को माफ मत करना और मोदी जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना भाई, मोदी जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। इस देश की जनता को बहुत ठगा मोदी जी ने। मोदी जी के बारे में मैं तो एक ही बात कहता हूं,
गंजे को भी कंघी दे सकते हैं मोदी जी। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस धरती पर देखा ही नहीं। क्या बोले? बोले भाइयों और बहनों 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? कहने लगे किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 पैसे नहीं मिले, सबको धोखा देने का काम किया। तो इस देश के नौजवान कह रहे हैं मैं इस देश का नौजवान हूं, मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। हमारी माताएं बहनें कह रही हैं मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। हमारे किसान कह रहे हैं मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। क्या कह रहे हैं? 400 पार। जिसे पत्रकारों ने कहा संजय सिंह जी मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, मैंने कहा वो 600 पार भी कह सकते, 600 पार कह सकते हैं। बोले नहीं आप तंज कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, हम भारत का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अखंड भारत का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कुछ सीट पाकिस्तान से भी आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ नेपाल से आएगी, जो बची रहेगी वो अफगानिस्तान से आएगी। पता है कि नहीं पता आपको? तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिया प्रधानमंत्री ने, 200 करोड़, पता है आपको? 50,000 टन अनाज दिया है, गेहूं दिया है, 20,000 टन गेहूं दिया है 2 बार में, और आपसे कहते हैं आपकी संपत्ति ये लेके भाग जाएगा, आपकी संपत्ति वो लेके भाग जाएगा, झूठ बोलने का काम करते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी नीरव मोदी मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गए, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। अरे तुम्हारे दोस्त हिंदुस्तान के बैंकों को लूटकर भाग रहे हैं, देश की जनता की संपत्ति लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमसे झूठ मत बोलो, आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? झूठ बोलने की। इसीलिए इसका नाम मैंने रख दिया भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। करे 400 पार। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार। आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार। आई 23 सीट। आए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार। आई 105 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार। आई 40 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार। आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार। आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार। आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार। जनता करे तड़ी पार करना है कि नहीं करना बताओ? तड़ी पार करना है। हमारी बहनें यहाँ पे बैठी है, मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाए, कहे कांग्रेस वाले मंगलसूत्र लेके भाग जाए। अरे भाई मंगलसूत्र 2014 में कितने का बनता था? 24,000 रुपए तोला सोने का दाम था। बहन जी था कि नहीं बताओ? था ना। अब कितना हो गया? 75,000। कितना हो गया? 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। तो आपका मंगलसूत्र कौन चोरी कर रहा है? कौन चोरी कर रहा है? कौन चोरी कर रहा है? भाजपा वाले आए तो बेलन लेके दौड़ा लेना, कह रहा तुम्हारा तुम ही लोगों मंगलसूत्र चोरी करने वाले, 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। साथियों और दोस्तों, मैं आपको सर झुका के नमन करता हूं, आपकी बहादुरी को नमन करता हूं, और एक चीज जान लीजिए, मराठी जो है वो लड़ने में यकीन रखता है, झुकने में यकीन नहीं रखता।
जो लोग गद्दारी करता है उसको सबक सिखाने में यकीन रखता है। यहाँ बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान जी, इनका इनकी बहादुरी का हम लोग स्वागत करते हैं। एक चौहान है अशोक चौहान जी जो छोड़ के चले गए, एक पृथ्वीराज चौहान है जो मैदान में लड़ रहे हैं। अनिल देशमुख जी है 14 महीने जेल में रहे, चाहते ये भी झुक जाते लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैंने कहा बेईमानो 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं, लड़ने के लिए तैयार है। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे, एक आदमी जिसने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, दवा का इंतजाम किया, उस आदमी को तुम इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे हो, जालिमों जैसा व्यवहार कर रहे हो, उनकी पत्नी से आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराते हो, बीच में शीशे की दीवार खड़ी होते, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी आपको? प्रधानमंत्री जी इस देश के आपके महाराष्ट्र में ताना साहेब, झारखंड के अंदर एक जेल में डाल दिया, कैसे के जेल में डाल दिया, सब पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं। साथियों दोस्तों, अंत में एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, यकीन कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, आपका भाई हूं, सही बोल के जा रहा हूं। अगर गलती से भाजपा इस बार के चुनाव में जीत गई तो दोबारा आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा वोट देने का मौका। यहाँ पे पुतिन का शासन होगा, यहाँ पे किम जोंग का शासन होगा, देश के अंदर चुनाव की व्यवस्था खत्म की जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण को खत्म किया जाएगा, देश का संविधान खत्म किया जाएगा, वोट की ताकत खत्म की जाएगी। लल्लू सिंह अयोध्या का प्रत्याशी कहता 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। अरुण गोविंद बीजेपी का प्रत्याशी कहता है 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। आज अनंत हेगड़े कर्नाटक के पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। इस सतारा के ग्राउंड में हम सब शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा उसकी राजनीति को हम लोग खत्म कर देंगे। उसके लिए चाहे जो कुछ भी नौछावर करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्यार से आपने मुझे सुना। मैं फिर से हाथ जोड़कर आपसे विनती करने लिए आया हूँ। आज एक 84 साल का योद्धा इस मैदान में लड़ रहा है मोदी की तानाशाही के खिलाफ, जिसका नाम शरद पवार है, और एक कामगारों के इतने बड़े नेता जो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं शशिकांत शिंदे जी, आज वो मैदान में उतरे हैं। उनको भर भर के वोट दीजिएगा, उनको यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देने वाला समाज और दर्शन जय सिंह से।